हाँ तो दोस्तों केपी एनर्जी के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केपी एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 20 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास में 100 शेयर हैं तो आपको यहाँ पे 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में ये नंबर 54% से गिरा है और ये नंबर आया है 57 करोड़ पे। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 33% से गिरा है और ये नंबर आया है 6.7 करोड़ पे। यहाँ पे ये 67 लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट मैं डालना भूल चुका हूँ, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले जो नंबर्स है, रेवेन्यू के नंबर्स है, वो यहाँ पे काफी बुरी तरीके से गिरे हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो यहाँ पे जिस तरीके से भी एक्सेसिव रेंज होती है, अगर आपने देखा होगा ये मेन जो ये कंपनी का जो बिजनेस है वो गुजरात के अंदर में नजर आता है, और गुजरात के अंदर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जुलाई सेप्टेम्बर ये जो तीनों मंथ्स होते हैं ये क्वार्टर के, वहाँ पे काफी ज्यादा रेंज उनके रहे थे। तो उनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसे इंप्लीमेंट करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में वहाँ पे कंपनी को काफी ज्यादा टाइम लगता है और यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन होता भी नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ये नंबर में कम होता हुआ नजर आ रहा है। और एट द एंड अगर आप देखोगे तो इन कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में क्या आता है, जितना इन्होंने काम किया होता है तो ये क्वार्टर में मेनली अगर आप देखोगे जो बारिश होती है उसकी वजह से यहां पे ये प्रॉब्लम हमें नजर आती है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 11% से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बड़ा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो भी हमें यहां पे 49% से बढ़ती हुई नजर आई है और ये नंबर आया है 6.7 करोड़ पे। तो देखा जाए पिछले साल के मुकाबले इसी सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे नजर आते हैं। यहाँ पे जो सिक्वेंशियल बेसिस के नंबर है, यहाँ पे करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक वगैरह काफ़ी अच्छी है। आज भी उन्हें सुजलॉन एनर्जी से एक नया ऑर्डर मिला है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे ये क्वार्टर में आपने यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो देखिए मेरे ख्याल से मैं यही व्यू दूंगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म वाइंड विषय ये सोच के अगर इस कंपनी में पैसा डाला है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे तो वहाँ पे एक अच्छी डिमांड स्टॉक की क्रिएट हो जाएगी और 3-4% आपको मिल जाएगा, तो वो देखिए वो तो चीज़ें यहाँ पे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हुई है। मेरे ख्याल से कंपनी के नंबर्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, खास करके जो चीज़ें यहाँ पे 5% अपर सर्किट लगने के लिए जो नंबर्स कंपनी के होने चाहिए तो वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म वाइंड विषय डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए और जिन्होंने लिया हुआ है तो मेरे ख्याल से आपको सेल कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूंगा तो देखिए अभी भी जो करेंटली अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। और अगर हम देखेंगे तो ये जो वाला जो क्वार्टर है अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला और अप्रैल जनवरी से लेकर मार्च वाला, तो वहां पर हमें रेंज देखने को नहीं मिलने वाली। और वहां पर अगर कंपनी अच्छे से अगर अपने ऑर्डर्स को अगर करती है तो वहां पर डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हो सकते हैं। और वहां पर अगर आप देखोगे जिस तरीके से अभी रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, जो कमोडिटी की कॉस्ट है, अभी जिस तरीके सभी कम हुई है तो वहां पे कंपनी के नंबर्स अच्छे भी हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपका 1-2 साल का होराइजन अगर आपका है तो मेरे ख्याल से आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी जो मार्केट में अगर हम रैशनल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मार्केट का व्यू कहीं ना कहीं अभी हमें यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे उतने अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ, ये मेरा व्यू यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केपी एनर्जी के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।